नमस्कार, इस समय मौजूद है कोपागंज ओड़ियाने के मैदान पे। अभी यहीं पे से गुजर रहे थे, देखा जा रहा है कि कुछ लोग चाय की दुकान पे चाय पी रहे थे। आइए देखा जाए कि चुनावी रुझान क्या है। शुभ नाम क्या है आपका? बबलू पटवा। क्या चल रहा है माहौल? माहौल तो योगी जी का ही चल रहा है। योगी जी का चल रहा है। किसकी बनेगी सरकार? पूर्ण रूप से योगी जी की ही बनेगी। अभी देखा रहा, जात पात मजहब भेदभाव, किस मुद्दे पे चुनाव होगा? धर्म के आधार पर भी होगा और विकास के नाम पर भी होगा, राष्ट्र के नाम पर भी होगा। परिवारवाद को उखाड़ फेंकना है। किसको इस समय चुनाव जिता रहे हैं? भाई योगी जी के नेतृत्व में ही चुनाव जिताया जाएगा। लगता है कि योगी जी की सरकार बनेगी? अब 300 प्लस पार आप कैसे बताया जाए? 300 पार सरकार बनाने की 200 दुए चाहिए ना। आलू का क्या? आदमी खाने आलू, ये बताइए। अरे भाई सब्जी के दाम क्या है? सब्जी के दाम देखिए ना, हरा भरा है एकदम। जाके देखिए, किसान भी परेशान है, खाने वाले ग्राहक नहीं है। 10 रुपया किलो प्याज बिक रहा है, देखिए तो। आइए कुछ हमारे लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं, उन लोग से जानकारी लेते हैं। नाम क्या है? अशोक पांडे। कहाँ के रहने वाले? कोपागंज। क्या माहौल चल रहा है? माहौल यही है कि साइकिल रहेगी बाहर, अब मंदिर में फूल चढ़ेगा, साइकिल बाहर खड़ी कबाड़े में चली जाएगी। योगी जी जीते हैं 300 से पार। अब की बार भाजपा सरकार, राज तिलक की करो तैयारी। अभी देखा जा रहा है किस मुद्दे पे चुनाव होगा। मुद्दा राष्ट्रवाद, विकास के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के माफियाओं के खिलाफ चुनाव हो रहा है। इस पारी योगी जी की फिर बुलडोजर चलेगा 10 के बाद। योगी जी तो बोल रहे हैं बुलडोजर चला दिए, तो जो बचे हो उनको भी चल जाएगा। राजकुमार यादव। बताइए किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश यादव की पूर्व बहुमत से बन रही है, और बेरोजगारी को हटाने के लिए अखिलेश यादव को बहुत जरूरी है सरकार बनाने। और नौजवान नौजवान जितने भी हैं, जितने नौजवान हैं, अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। नौजवान जितने हैं सब परेशान है, किसान भी परेशान है, सब सारे लोग परेशान है, सारे लोग परेशान है, किसान भी परेशान है। तेल का दाम देखिए कितना बढ़ गया है, सभी तो ये बोल रहे हैं महंगाई नहीं है, महंगाई एकदम चरम सीमा पार कर चुकी है, सब चीज एकदम महंगाई बढ़ चुकी है। और नौजवान एकदम अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, इस बार फिर अखिलेश यादव का सरकार बनेगा रूप में बने। अखिलेश जय समझवा, जिंदाबाद जिंदाबाद।